कम से कम जो है हमारी जो खुदा ने इस कायनात को बनाया है उसमें अपनी तरफ से जो हम ये प्लास्टिक हो, पॉलिथीन हो या जिस तरह की बाकी चीज़ें जो हम डाल रहे हैं एनवायरनमेंट में वो कम से कम डाल दीजिए। तो इसमें आपने जो जो चीज़ें आज बोली हैं और जो जो चीज़ें आपने नोटिस की हैं, मैं समझती हूँ कि एक राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की। बच्चे गए हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई इस पे, और ये भी मैंने देखा कि आपने काफ़ी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पर गंदगी तो थी ही, लेकिन लोगों से भी बात की आपने, उनसे भी पूछा कि आप क्यों प्लास्टिक या पॉलिथीन नहीं यूज़ करते, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छी जवाब भी दिए हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि, और हमेशा मुझे ये चीज़ अभी भी याद है, हमारी 8th स्टैंडर्ड में एक टीचर होती थी मिसेस खरबांडा, एंड बायोलॉजी की टीचर थी, एंड जब भी हम क्लास से निकलते थे तो बोलती थी ये बिजलियाँ बंद कर दो क्योंकि यू कैन अफोर्ड इट बट द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब दिस वॉज अ वेरी समथिंग विच हैड अ वेरी लास्टिंग इंप्रेशन ऑन माई माइंड कि इवन इफ यू कैन अफोर्ड दिस प्लास्टिक और इवन इफ यू कैन अफोर्ड सो मैनी न्यू थिंग्स, हम हर दिन नई चीज़ें लेते हैं और नई ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं होती, वो भी एक तरह का मुझे लगता है पॉल्यूशन है। हम कितना अपने, अगर हम खुद में देखें, और आई रिमेम्बर इन द लास्ट चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में जब प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी ही ऐसी बातें कर रहे थे जो हमारी आम जिंदगी में हम चीज़ें शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली कि हम डेली देखें कि हम जो उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक जो भी हम चीज़ें करते हैं, क्या वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है किसी की लाइफ में या एनवायरनमेंट में, या जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह की हम ख्यालात रख रहे हैं, जिस तरह के हम थॉट्स रख रहे हैं, क्या वो किसी की लाइफ में या दूसरों की लाइफ में, हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है कि नहीं। और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही वो ये, वो देखिए कि क्या आपको उन चीज़ों की ज़रूरत भी है कि नहीं है। इंटेलेक्चुअल पीपल जिन्होंने ये सारी प्लान्स बनाए हैं नेशनल लेवल पे तो स्टेट लेवल पे, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम इज वेयर द कम्युनिटी हैज टू कम, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकी ऑफ द पीपल, हाउ वी कैन लाइक ब्रिज दैट गैप। सो यू हैव टू नाउ फाइंड आउट योर रोल, आपके स्टूडेंट्स जो इस पूरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो इस पर स्टडी करें और उस पर देखिए कि ये हमें लग रही हैं डेफिशिएंसीज हैं, ये हम कर सकते हैं। आईसी मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस ब्लॉक दिवस पे जाती हूँ, मैं जिस इवेंट पे जाती हूँ, वहाँ स्वच्छ भारत के बारे में बोलती हूँ। एंड स्वच्छ भारत इज नॉट जस्ट टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत इज वेस्ट, जो वेस्ट है, वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू इवन मनी। हमने 2-3 कोलैबोरेशंस जो अभी स्टार्ट भी की है वो वेस्ट टू मनी ही है, जिसमें हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं।